तो हेलो गाइस, कैसे हो तुम सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है। गाइस आज की वीडियो में हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट। गाइस आज जो है हम लोग अपना फाइनली पूरा घर कंप्लीट कर देंगे, और तुम लोग मेरे पीछे देख ही सकते हो अभी क्या है। तो अभी मैं तुम लोगों को पूरा टूर देता हूँ उस चीज़ का। गाइस देखो, अपने यहाँ से जो है स्टेयर्स चालू होती है, फिर अपन लोग यहाँ से जब ऊपर जाएंगे तो फिर यहाँ देखो गाइस, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा अभी तक घर बना लिया है ताकि निशानी रहे कि हमें यहीं पर ही घर बनाना है। बाकी का तो मैं तुम्हारे सामने कंप्लीट करूँगा। और मैंने कुछ इस तरह की डिज़ाइन दी है, मैं छोटे छोटे कैबिन्स अलग से बनाऊंगा, उनके लिए मैंने अलग से डिज़ाइन दी है। तो ऐसे करके मैं कुछ अपना घर बनाऊंगा। तो अभी गाइस फ़िलहाल तो कुछ इस तरह का अपना घर बनने वाला है। तो अभी मैं तुम लोगों को एक टूर देता हूँ अपने आसपास के एरिया का, घर वर्ल्ड का टूर देता हूँ। तो गाइस मेरा घर जो है इस घर के बहुत ज़्यादा करीब है, तो इस घर को जब भी हो सके मैं उड़ा दूँगा। हाँ तो गाइस अभी साले को कम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। कि हम 200 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर चुके थे लेकिन वापस हम पीछे आ चुके हैं 200 सब्सक्राइबर से। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो जल्दी से, ताकि हम लोग ऑफ कोर्स 200 सब्सक्राइबर पहुंच जाए और जल्द ही 1K पे पहुंच जाए। और अरे इसकी टांग नीचे गिर गया मैं कहीं। अभी मैं क्या करता हूँ ना, अभी जाता हूँ किसी घर में। हाँ ये रही अपनी क्राफ्टिंग टेबल और सब। यहाँ पर जाके जो है अपन अपनी वीट बना लेते हैं और फिर वीट ब्रेड बना लेते हैं। फिर एक बाल्टी भी चाहिए हमें, तो अब उसकी बाल्टी बना लेंगे। आयरन हमारे पास 3 है जो उसकी। तो ये रही बाल्टी, क्योंकि बाल्टी ज़्यादा काम में आती है देखा जाए तो, टूल्स तो ज़्यादा वही काम में आती है। और बाकी तो अपना घर जो है बहुत सही लग रहा है। यहाँ पर मेरे पास एक एंड साइड ब्लॉक की कमी थी, इसलिए मैंने स्टोन ब्रिक लगा दिया, बाद में अपन सही कर देंगे इसे। अपन ऊपर चलते हैं और अपना घर जो है उसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से जल्दी, ताकि अपन भी थोड़ी चौड़ में रह पाएँ और ये बारिश से बच सकें। अभी बस एक लेयर और बनानी है इसके ऊपर, फिर अपने घर की जो छत डालनी है बस, फिर तो सारा काम हो जाएगा। अभी गाइज मैं घर की लेयर कंप्लीट करके तुम्हें बताता हूँ। तो गाइज मैंने जो है अभी अपना एक घर जो है एक लेयर और ऊपर शिफ्ट कर दिया है। वुडन प्लैंक्स मेरे लगभग लगभग बस ख़त्म ही होने वाले हैं, इसलिए मैं क्या करता हूँ जल्दी से अपने वुडन प्लैंक्स तोड़ लेता हूँ। तो ये एक्चुअली एक लेयर एक्स्ट्रा बन गई है यहाँ पर। और गाइज मैं वो ब्रेड बनाना भूल ही गया। अभी गाइस मेरे को अपनी क्राफ्टिंग टेबल के पास वापस जाना पड़ेगा। क्राफ्टिंग टेबल कहाँ गई अपनी? नीचे होगी, देख के आते हैं एक बार कहाँ है अपनी क्राफ्टिंग टेबल। यहाँ पर ही पड़ी हुई है, इसको घर में जल्दी शिफ्ट कर दूंगा मैं। हमारे नहीं मरे आधे हार्ट के डैमेज पड़ा सर। भाई इतनी कितनी ब्रेड बनानी पड़ेगी अब, तो इतना धीरे धीरे भी बनती ही है। मैंने इस पर लॉन्ग प्रेस कर रखा तब भी इतना धीरे धीरे बन रही है। ठीक है गाइस एक स्टैक ब्रेड जो है आपके पास आ चुकी है। उसके अंदर गाय थी और मैं भूल गया, अब इनको रीडिंग करानी पड़ी है। अब तो छोटा सा एक्सपी फॉर्म भी बन जाएगा। अभी मैं जो यहाँ का सारा वीट तोड़ देता हूँ, सीड्स वापस लगा देता हूँ। सिर्फ उसे 11 वीट मिला हमें, बहुत ज़्यादा वीट होता गई थी है ना। 24 तो सीड ही मिल गए। और 13-14 वीट मिला है।
ठीक है चलो चल जाएगा। अपन थोड़ा बहुत आलू भी बो रखा है किसी ने तो क्या विलेजर ही होगा। अरे लास्ट वाला सीट लग चुका है अपना, अब मुझे ढूंढना होगा। देखो ये भी बगल में ही खड़ी है अपने। हाँ लो भाई शुभ जिंदगी जियो। और यहाँ पर बच्चे और उसकी मम्मी भी आ चुकी है, तुम भी एक एक खा लो, ज़्यादा बजट नहीं अपना। इसको मैंने गलती से दो खिला दिए गई, तो बस अब अपने घर में जो है छत डाल ली है, बाकी सब हो चुका है अपना काम। काश ही मेरी बिल्ली होती, एक्चुअली जब मैं शिफ्ट करा था तो मेरी बिल्ली मर गई थी। अगर ये एक बार इस घर के अंदर फंस जाए ना तो मज़ा ही आ जाएगा। तो गाइस अभी या मेरे को बाबा क्राफ्टिंग टेबल से काम में आ जाता है, काम में क्या सॉरी काम आ जाता है बाबा, उसे बहाल ही भूल जाता हूँ। अब मैं बना भी नहीं सकता नहीं तो फिर प्लैंक्स की कमी पड़ जाएगी, इसे सीधा बाहर ही चलता है क्राफ्टिंग टेबल और सब कुछ तोड़ के ले आता है। शेप कितनी सही आती है। और गाइस मेरे ख्याल से फर्नेस में से कुछ निकला था, वो पड़ी हुई थी इसमें कुछ तो निकला था, लेकिन दो तीन आइटम एक साथ ही कलेक्ट हुए थे। अब छोड़ो जो कुछ भी था देखा जाएगा बाद में। अच्छा शायद प्लैंक्स निकले थे उसके अंदर, जब भी देखो अपने पास एक स्टैक हो चुके हैं अभी। तो गाइस अभी इन सब चीज़ों से बचने का टाइम जो अपना आ चुका है। हाँ गाइस देखो बहुत सारा ही प्लैंक पड़ा हुआ था यार उसमें, और वीट भी बहुत सारा स्पेयर पड़ा हुआ है अपने पास, उसकी भी अपन ने ब्रेड बनाई नहीं अभी तक। तो अपनी क्राफ्टिंग किधर गई, क्राफ्टिंग ये रही, इसको यहाँ प्लेस कर देते हैं, और अपनी फर्नेस और इसको जो है यहाँ यहाँ प्लेस कर देते हैं। बस ये हो गया अपना वर्किंग कॉर्नर। अब मेरे को बनानी है स्लैब्स ताकि मैं छत डाल सकूँ घर के अंदर। मैं हूँ एक उड़ता रोबोट डोरेमोन। जल्दी जल्दी बनाते हैं गाइस। और अभी भी गाइस अपने घर की जो फिनिशिंग है वो अभी तक हुई नहीं है ढंग से, वो मैं कर दूंगा, उसकी चिंता तुम लोग मत करो। तुम्हारा भाई बैठा है ना गाइस, बॉब द बिल्डर। एक्स और स्लैब्स का कॉम्बिनेशन है ना, एक गलत लगे दो तोड़ दो एक साथ ही। जल्दी जल्दी गाइस इन्हें प्लेस करते हैं। तो गाइस मैंने जो है अभी अपने घर की छत भी डाल दी है, ये वाली साइड मेरे को थोड़ी पतली, अपना घर थोड़ा सा पतला सा लग रहा है मेरे को, तो मैं इसे बाद में थोड़ा और पीछे की साइड एक्सटेंड कर सकता हूँ क्या। हाँ गाइस कर तो सकता हूँ मैं, लेकिन अभी नहीं करूँगा, थोड़ी देर बाद करूँगा। अभी के लिए तो मेरे लिए ये घर भी ठीक है ना, अभी कोई सा बुरा घर नहीं है हमारा छोटू सा घर। और यहाँ पर क्या करता हूँ ना, यहाँ पर मुझे है ना एक्चुअली एक एंट्रेंस टाइप बनानी है, जिसके अंदर सारे अपने काम धंधा करने की जगह हो। इतने में नहीं आ पाएगा, गेट इतने में आ जाएगा। हाँ गाइस गेट इतने में तो आ ही जाएगा। फिर इधर भी बना देते हैं, जब स्लैब्स बर्बाद कर ही रहे हैं तो यहाँ पर भी कर ही देते हैं। बर्बाद तो क्या ही, मेरे को ये डिज़ाइन पहले से सोच रखी थी मैंने, तो ऐसे ही बनाएंगे। अब गाइस अपन लोग एकदम सेफ है, अब कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।
गाइस जल्दी मेरा घर बहुत बड़ा कर लूंगा मैं, अभी के लिए मैंने इतना ही बनाया सिर्फ उसे, मॉडिफिकेशन अपन लोग और करेंगे। ये सीरीज जितनी खींच सकती हूँ उतनी खींचूंगा गाइस मैं भी। गाइस यहाँ से ऐसा लग रहा है कुछ उतना घर, मैं क्या करूँगा ना ऊपर की साइड और लगाऊंगा थोड़े से ऐसे ही स्टोन ब्रिक्स है ना अपनी, वैसे ऊपर की साइड और लगाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ी देर हो रही है, अभी अपने को जाके सो जाना चाहिए अच्छे बच्चों जैसे, जाके सो जाते हैं। यार ये और इनका चलता रहता है। ओहो हमारे घर मेहमान आए हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आप भी अपनी लाश यहीं पर ही बनवा के जाओ। बहुत बहुत मारा मुझे गाइस, गौ माता बाहर आ गई हैं। तो आप तो कहीं आप फेंस के बाहर आ चुकी हैं दोनों की दोनों, अब तो आप दोनों गई। हा 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 क्या दरिंदों जैसे हंसता हूँ मैं। गाइस यहाँ पर अभी वहाँ क्या तैर रहा है, इसके अंदर लामा तैर रहे हैं और उस विलेजर के पीछे वो ज़ॉम्बी पड़ा हुआ है, लेट्स सेव हिम। हाँ 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 क्योंकि माइनक्राफ्ट में लॉजिक नामक तो चीज़ है नहीं कोई सी भी। ओ शेट ज़ॉम्बी भाई माफ़ कर दो ना भाई, अब तू सेफ है फार्मर, जा खेती कर। ओ नहीं 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 एक सेकेंड भाई 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 मैं भूल गया था, फार्मर्स मिलना बहुत रेयर होता थोड़ा, मतलब यार एक फार्मर तो मेरे को बचाना ही ताकि वो खेती बाड़ी करता रहे अपने गाँव में। अभी गाइस मेरे को क्या करना चाहिए, अभी मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, बस सो जाना चाहिए, सुबह देखेंगे क्या करना है। सुबह भी हो गई भाई, मतलब शर्म आनी चाहिए इन गेम वालों को यार। अभी गाइस मुझे सूट चुका है मेरे को क्या करना चाहिए, सबसे पहले अपने विलेजर्स के लिए जो है विलेजर हॉल बनाना चाहिए, सबसे बेस्ट चीज़ अभी वही है क्योंकि मैं वेला तो घूम ही रहा हूँ, इससे बढ़िया इनके लिए कुछ बना ही देता हूँ। अब सबसे पहले घर पे आता हूँ और इनके लिए शवल और थोड़ी सी पिकैक्स बना लेता हूँ, स्टोन की बनाऊँगा, आयरन वाली की बहुत बुरा हाल हो रखा है अभी क्योंकि थोड़ी कंजूसी दिखानी पड़ेगी गाइस। और खाना तो खा ही लेते हैं अपन सबसे पहले, चलो चलो चलो। हाँ तो गाइस अभी मेरे को क्या करना है, आई ला मैं तो भूल गया मेरे को क्या करना था ना गाइस, मेरे को बनाने थे एक दो शवल लेकिन मेरे पास कॉबल शोन ही नहीं है, वेरी गुड। हाँ तो मुझे शायद से वुड का ही बनाना पड़ेगा, गरीबी दोस्तों गरीबी। और इस ब्लॉक्स तोड़ने के लिए तो ऑफकोर्स मैं ये वाली पिकैक्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए ये वाली पिकैक्स मैं बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ। स्टोन की बना लेते हैं ना यहाँ से स्टोन तोड़ के, ये वाली पिकैक्स देखो ये तोड़ने के लिए तो यूज़ करनी पड़ेगी ना। तीन आ गए हैं और एक दो प्लैंक भी चाहिए शायद, अपने पास प्लैंक कितने हैं पहले देखते हैं, दो ही हैं तो दो में तो स्टिक बन जाती है, लेकिन फिर भी एक यहाँ से तोड़ के चलते हैं। गाइस गाय के बच्चे हैं आसपास कहीं, उस बच्चे के मम्मी पापा को तो मैंने तो नहीं मार दिया था, जो चलो छोड़ो अपने क्या रास्ते में आया और अपन ने टपका दिया। घर में जो ग्रास है इसको भी हटाना पड़ेगा जल्दी, बहुत बड़ा जंगल हो जाएगा नहीं तो। ठीक है गाइस मैंने एक उड़न की पिकैक्स और एक शवल बना लिया है, अब मैं चलता हूँ बाहर और मस्त मगन हो जाता हूँ। तो मुझे विलेजर हॉल बनाने के लिए एक जगह ढूंढनी पड़ेगी और जगह होनी चाहिए यहाँ। हट बीच रास्ते में नहीं आना नहीं तो टपका दूंगा। अगर यहाँ से जो अपन 4x4 का सा गड्ढा बना लेंगे, मतलब गड्ढा नहीं
थोड़ा सा बड़ा होगा। दो तीन चार, ये एंट्री अपने विलेजर हॉल की, और ये चारों तरफ से घिरी हुई होगी ताकि ज़ॉम्बीज इसके अंदर ना आ जाए। तीन चार, और अभी मुझे शायद से बाहर निकालना चाहिए अपनी आयरन पिकैक्स, नहीं सॉरी स्टोन पिकैक्स, क्योंकि अब स्टोन आ चुका है। और ज़्यादा भी नीचे नहीं गिराना है, नहीं तो फिर फॉल डैमेज भी पड़ जाएगा उन्हें। तो यहाँ तक के लेवल के लिए सही है अभी के लिए। तो अब बस यहाँ से मेरे को जो है माइनिंग स्टार्ट करनी है, यहाँ से वो लोग क्योंकि अब बाहर भी नहीं निकल सकते, लेकिन फिर भी मैं एक लेवल और नीचे चला जाता हूँ। सही चीज़ों के लिए सही औजार हमेशा। गाइस अभी मैं पूरा बंकर बनाता हूँ, फिर आता हूँ तुम्हारे पास। ठीक है, पानी जो है आ चुका है। एक और बाल्टी भर के डाल देते हैं। और एक और बाल्टी फिर से डालनी पड़ेगी, और अपना जो बिलोंग बस हो ही जाएगा फिर कंप्लीट। बस इतना काफ़ी है अभी। अब उन सामने चलते हैं जो सारे पैक्ड हैं। अब ये वाला घर जैसे पैक्ड है, तो मुझे यहाँ से लेकर वहाँ तक जो है पूरा एक रास्ता बनाना पड़ेगा। विलेजर भाई साहब इसमें से निकल नहीं सकते हैं। वो आईने में से मेरे को कैसे खुंदस में देख रहा है वो तुम लोग देख सकते हो खुद ही। ठीक है गाइस, अपन लोग इसे जो एस्केप तो नहीं कर सकते हैं। ओ एक सेकंड मुझे ये बंद करना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि विलेजर्स में भी आजकल ज़्यादा ही दिमाग आ रहा है। इसको मैंने इस तरह से कर दिया ताकि विलेजर भाग ना सके फिर से। ब्लॉक्स बचाना है अपने को, बाकी तो और कुछ नहीं करना है। ये देख लो इस तरह से अपने को ब्लॉक्स बचाना है, कंजूसी पूरी दिखानी है। गाइस एक सेकंड रुकना प्लीज़। तो गाइस ठीक है, अभी मैं वापस आ चुका हूँ। मेरे को चेक भी करना पड़ेगा पूरे रास्ते में से, यहाँ से कोई ना कोई निकल सकता है।
तो गाइस अभी मैंने जो है फिलहाल थोड़ा बहुत रास्ता बना लिया है, हम बस यहाँ से कंटिन्यू रखना है मेरे को। गाइस अभी मैं जो है ना फ्री कर देता हूँ यहाँ से। चलो भाई आ जाओ बाहर, टिकट होगी तुम्हारी बाहर की, बहुत टाइम बाद बाहर निकल जाऊंगे ये लोग। चल भाई अब अभी जा, लॉकडाउन लग गया था तुम्हारे लिए, अब हट गया है लॉकडाउन तुम्हारा। इसका सगा संबंधु नज़र नहीं आ रहा, इसका बंधु गाइस नज़र नहीं आ रहा। जाओ जाओ जाओ, अब तो बाहर की दुनिया है तुम्हारी। जाओ 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 भाई, जा भाई। क्या तुझे क्या भाई फटका लगाना पड़ेगा क्या? नॉन वायलेंस था वैसे तो मैं, लेकिन अब तू भागेगा। और दूसरा वाला विलेजर किधर है? ऊपर जाने का रास्ता कहाँ है? ऊपर कैसे जा सकता हूँ मैं? क्या बातें करता हूँ मैं भी ना यार। नो गोइंग बैक, उधर ही चलना है सीधे। मैं क्या करता हूँ, इधर ऐसे लगा देता हूँ ताकि इससे तो पीछे नहीं जाए। चल भाई आगे आगे आगे, हाँ हाँ आगे आगे, बस आ ही गए। नीचे नीचे नीचे, गाइस अपना विलेजर जो है मर चुका है। ओह शिट, इतनी देर मैंने इसके लिए रास्ता बनवाया और ये जाके मर ही गया सीधे। मुझे बहुत बुरा हुआ हमारे विलेजर भाई साहब के साथ, वो ड्राउंड हो गया बेचारा और मर गया। तो चलो गाइस आज की वाली वीडियो से इतना ही। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर अभी तक डिस्कॉर्ड ज्वाइन नहीं करा है जल्दी से कर लो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।